आज हम आपको जहाँ लेके जाने वाले हैं ना, आई कैन बेट उस प्लेस के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि करजत ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस का नाम कुछ स्पेसिफिक जगहों से जोड़ा जाता है, कुछ दो तीन वाटरफॉल्स, दो तीन ट्रैक्स, बस करजत का नाम लोगे तो उतना ही दिमाग में आता है। इवन आप गूगल पे अगर करजत के बारे में सर्च करोगे ना, तो भी ये प्लेस आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आज हमारे साथ आपको ये प्लेस ज़रूर देखने मिलेगी। करजत और मॉनसून, इन दोनों का एक अलग ही रोमांटिक रिश्ता है। मॉनसून में आपको करजत में डेस्टिनेशंस ढूंढने तो नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, एंड बाय दैट आई मीन काफ़ी क्राउडेड भी। बट आज का अपना डेस्टिनेशन ना तो फेमस है और ना ही क्राउडेड, बट यस, इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड सूदिंग प्लेसेस अराउंड करजत। और जब मैं आपको इस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा ना, तब आप कहोगे यार ये मैंने कैसे मिस कर दिया। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, इस vlog को एकदम short and sweet रखना है, ज़्यादा लंबा कर खींचना नहीं है, तो लेट्स जंप टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। आज अपने साथ और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और प्रियंका। हेलो। सोशल डिस्टेंसिंग हम भी मेंटेन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बाइक पे तो नहीं कर सकते वैसे। एनीवेज, दिस प्लेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम करजत, इजीली एक्सेसिबल एंड नेस्टेड इन अ ब्यूटीफुल नेचुरल सेटअप। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से निकलने का मन नहीं करता, ये एक सच्चाई है। सो वहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं करनी है, अभी will be at the destination in like 3, 2, 1 and now. After around 1 hour's ride to Ambivali village, a merely 2 minutes walk takes us to this beautiful place right next to a river. This place is known as Ambivali Caves. It is basically a vihar meant for residents of monks in ancient times. As you all know, all the tourism attractions in Maharashtra are still closed due to COVID-19. And so is this one. But I can still show you what it is like on the inside. You know how? Ye vihar Kondhane Caves ke vihar ka exact structural replica hai. Lekin haan, unlike Kondhane, yaha par aapko har ek intricate detail aaj bhi dekhne milegi. यहां पर बना हुआ हर एक स्ट्रक्चर आज भी सही सलामत है। इस विहार के अलावा यहां कुछ वाटर सिस्टम्स हैं, जिनमें हमेशा पीने लायक पानी भरा रहता है। Sometimes the peace of mind that a place offers is all that matters. ये असर इस जगह का, यहाँ के माहौल का होता है। So we didn't at all mind seeing a lock on the door here, and I hope you wouldn't mind that too, at least in this video. So as I said, ये place hidden है और शायद इसी वजह से इतने अच्छे shape में है। अभी तो फिलहाल lock है, but it's still okay. वी कुड एटलीस्ट शो यू अ न्यू प्लेस जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठना और आजू बाजू में जो नज़ारे हैं ना, ये सब देखना, ये एकदम सूदिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ज़रूरी है आजकल की सिचुएशन में ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज आई प्रोमिस आई एम गोइंग टू टेल यू द लोकेशन अबाउट दिस केव। अम्बिवली विलेज से बहुत से लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि पेट फोर्ट के लिए जब भी आप आते हो, कोथलीगढ़ फोर्ट के ट्रैक के लिए,
तो अम्ब्यूली विलेज से ही वो ट्रैक शुरू होता है। सो यू कैन इमेजिन कि अम्ब्यूली जो विलेज है जहाँ से आप पेट फोड़ के ट्रैक के लिए जाते हो, उस विलेज से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये प्लेस है। और शायद ही किसी को पता है कि यहाँ पे इतने अच्छे केव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वेल, इफ़ यू हैव नॉट बीन टू पेट, सोलनपाड़ा वाटरफॉल जो आजकल बहुत चर्चे में, इट हैज़ लाइक बिकम वन ऑफ द प्राइम स्पॉट्स इन करजत। तो सोलनपाड़ा वाटरफॉल का जो रूट है उसी रूट से तो 200 मीटर अंदर है सिर्फ, ये 200 या 250 मीटर मैक्सिमम। सो द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज, नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग सोलनपाड़ा और पेट कोतड़ीगढ़, अम्ब्यूली केव्स को मिस मत करो। और यहाँ से अभी निकलना कितने बजे, कितने टाइम के बाद वो तो पता नहीं, क्योंकि मैडम तो हिल नहीं रही है यहाँ से, नदी सच में देख हिलने का मन नहीं कर रहा है। शी इज एंजॉइंग हियर, बट दिस प्लेस इज लाइक दैट ओनली यहाँ पे आने के बाद। और आपको यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी अनलेस एंड अंटिल इट्स वीकेंड। आजकल जितने गिने चुने लोगों को पता है वो लोग सोलनपाड़ा के साथ इसको क्लब करते हैं या फिर पेट कोतड़ीगढ़ के साथ इसको क्लब करते हैं, बस वही लोग आपको यहाँ मिलेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरी काम और सीरीन, पूरा क्या बोलते हैं उसको, शांति मिलेगी यहाँ पे। फिजिकली शांति मिलेगी, मन की शांति तो मिलेगी ही, लेकिन फिजिकली यहाँ पे शांति मिलेगी आपको। बाय द वे, पेट कोतड़ीगढ़ भी अगर आपने किया नहीं है ना, तो पेट कोतड़ीगढ़ का व्लॉग यहाँ पे लिंक है, देख लो, बहुत सही प्लेस है, ईजी ट्रैक है लेकिन देखने लायक है। तो पेट कोतड़ीगढ़ का व्लॉग भी देखो। विद दैट सेड, इतनी शांति है तो थोड़ी सी शांति हम भी एंजॉय कर लेते हैं, शांति से बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं, यहाँ पे नज़ारे देखते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए प्लेस के साथ, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, और पॉसिबल हुआ तो शायद अपने नए ड्रोन के साथ। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबली अगले वीडियो तक अपना ड्रोन अपने हाथ में होगा। कैसे होगा, कैसे अपने हाथ में आएगा, ये सब आपको अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा, इफ़ एवरीथिंग हैपन्स एज पर द प्लान। सो अगले संडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।